गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। ये ना रिएक्शंस नोट कर लो जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये बाकी बची हुई रिएक्शंस हैं अल्काइल हैलाइड्स के फॉर्मेशन की। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें 4 बजे स्टार्ट कर दूंगी। टाइम है वैसे अभी आपके पास, तो आप नोट भी कर सकते हैं। आप लोग कहीं आज ये तो नहीं सोच रहे कि मैम ने हमें आजादी दिवस मनाने नहीं दिया? नो मैम, मैम कल भी जी ले लेना चाहे क्लास। कल कल क्या है, छुट्टियां अनाउंस हो गई है ना स्कूल में क्यों छुट्टी है कल? मैम, 15 अगस्त के कारण। मतलब अच्छा आज स्कूल थे? हाँ मैम आज बच्चों का कंपटीशन वगैरह नहीं होता हर एक स्टेट हाँ में, हाँ 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 मतलब कि हर एक जगह हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट समझ में, गई। तो इसके लिए हाँ बच्चे और टीचर्स उनकी प्रेपरेशन वगैरह के लिए बिजी होते हैं ना, तो वे 16 को छुट्टी कर ही देते हैं मोस्टली, हर बार ही होती है। आज भी उन्होंने अनाउंस कर दी कल को ओके। छुट्टी है। हाँ लेकिन हमें नहीं है ना, मैं दिन में फ्री नहीं हूँ, मेरी नेट वालों के साथ क्लास होगी। चलो आपके पास टाइम है, अच्छी बात है, छुट्टी मिल रही है तो आप अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, जिनका थोड़ा बहुत भी रह रहा है। इसी बात का फायदा है स्कूल में, और कोई बात फायदा नहीं है। ठीक है ठीक है। नहीं, बात सिर्फ उसकी मुझे नजरिए की होती है। क्या टीचिंग लाइन अच्छी इसीलिए हो लगती है गया क्योंकि मैम? इसमें ना छुट्टियां बहुत आती हैं। ठीक है, हम ये नोट करना है। हाँ, ये नोट करो। बस मैं 4 बजे स्टार्ट कर रही हूँ जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स पे हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में, तो वहां पे एल्कोहल से एल्कीन से कैसे बनती है वो कर लिया था। फ्रॉम एल्केन एंड हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड्स की है, इनको लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। मैम हाँ जी आप जीओसी करवाई थी स्टार्टिंग में, हाँ उसके हाँ उसके आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं? जीओसी के मेरे पास तो एज सच नहीं होंगे आपके इसके, लेकिन किसी स्टूडेंट ने बनाए होंगे, वहां से आप ले सकते हो। जितेंद्र कर तो रहा है सबको शेयर। मेरे को लगता है अभी ये मैंने जितेंद्र से पूछा था, जितेंद्र ने कहा मैंने भी नहीं बनाई जीओसी के नोट्स नहीं बनाए जितेंद्र? मैम। स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स के नहीं मेरे पास इतने, बाद अच्छा, वाले में है, वो मैंने कर दिए। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उस उनमें से किसी को पूछ लो, क्योंकि जीओसी की तो रिवीजन क्लास भी लग चुकी है दोबारा। ठीक है, पूछ लेना किसी से, कोई ना कोई ग्रुप में हेल्प कर ही देगा। मैम जो आपके उसमें उसमें है नोट्स, वो कैसे, जो आपने डाले हुए है तो वो बुक की बुक पेजेस? वाले ऐप में हाँ है नोट्स वो भी, बट मतलब एज सच बिल्कुल वो नहीं होंगे जैसा मैं क्लास में करवाती हूँ डिट्टो वैसा। नोट्स तो वो भी अच्छे हैं, अगर वहां से पढ़ सकते हो पढ़ लेना, बस ये होगा उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। साथ में कोई और भी तो होगा जिसने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया होगा आपको हाँ कोई ध्यान। ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगी, अगर होगा कोई तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, आपका केमिकल नाम क्या है बॉन्डिंग के भी कह देना अगर मैम? हो तो, केमिकल बॉन्डिंग के भी मैम काफी दिनों से कह रहे हैं मैम हम। केमिकल बॉन्डिंग के किए तो थे शेयर किसी ने? ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं किए मैम, केमिकल बॉन्डिंग तो बोल बोल के मैं वो बोल रही, पर के किए थे मैम, ऑर्गेनोमेटेलिक के, फिर हमने कहना बंद कर दिया चलो ठीक मैम। है। मैंने क्लास वाले तो नहीं बनाए केमिकल बॉन्डिंग, पर मैंने कल ही बनाए हैं, बट बनाए अभी वेस्पर थ्योरी तक का है, तो ओके अगर okay. उतने तक क्लास वाले नहीं बनाए, वैसे किया है मैंने ठीक है, भी, मंगवाए थे ग्रुप में बड़ा बोला पर नहीं किसी ने भेजे, फिर मैं एक्चुअली अपने इस आप चीज को बनाए। ना, जितेंद्र की इस चीज को मैं अप्रिशिएट करना चाह रही थी ग्रुप में, फिर मैं किसी चीज में वो हो गई और मेरा से निकल गया था। ये एक्चुअली होता है, ये मैंने काफी मतलब मैं भी जब अपनी स्टूडेंट लाइफ से निकली हूँ तो मैंने ये चीज देखी है कि बहुत से स्टूडेंट खींच के जाते हैं अपने नोट्स स्टडी मटेरियल को शेयर करने में, और हर किसी का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। किसी को लगता है कि हमने मेहनत की है, हमने क्लासेस लगाई है, हमने नोट्स बनाए, तो हम तुम्हें ऐसे कैसे दे दें। ठीक है, होता है ऐसा थॉट प्रोसेस कुछ लोगों का। मेहनत
ऐसे तो क्या ही होता है, मतलब अगर पढ़ना तो अपना ही होता है, अगर आप हाँ मैं बता रही हूँ कि ना शेयर करने के पीछे कुछ लोगों का थॉट प्रोसेस ये होता है, मतलब जो मुझे लगता है, और ऐसा है भी कि मतलब मैंने सुना है बिल्कुल लोगों के मुंह से कि हमने नोट्स बनाया, हम क्यों दे, हमने मेहनत की है, हमने क्लासेस लगाई हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है। बट जब जितेंद्र ने शेयर किए थे ना ग्रुप में, मुझे सच में बहुत प्राउड फील हुआ था कि चाहे ये ज्यादा बोलता है, लोगों से डांट भी खाता रहता है, मुझसे भी सुनता है, लेकिन ये सब बहुत अच्छा काम किया। नॉलेज शेयर करने से कभी कम नहीं होता। मैम, जितेंद्र एक ऐसा ओनली स्टूडेंट है जो सबकी हेल्प करता है, ये कभी मना नहीं करता, ऐसी हाँ मतलब ये चीज मैम मुझे बहुत अप्रिशिएटिव लगी, इसीलिए मैं आज ये चीज यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। वैसे मैं उस ग्रुप में बोलने वाली थी, बट फिर मेरे स्किप हो गया माइक, मैं कुछ और करने लग गई थी। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है, बिकॉज देखो मेहनत हर किसी की अपनी है, दिमाग हर किसी का अपना है। अगर आप किसी के सामने बेस्ट ऑफ बेस्ट दुनिया की किताबें रख दोगे और आप सोचोगे कि सारे एग्जाम क्रैक कर जाएगा, ये दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एफर्ट्स हर किसी के अपने होते हैं, दिमाग अपना है हर किसी का, उसको ग्रेस्प करने की कैपेसिटी हर किसी की अपनी है, रिटेन करने की कितनी देर तक याद रहता है वो सबके डिफरेंट होती है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि मतलब नॉलेज शेयर करने से कभी कम होगा। तो अगर किसी के पास जीओसी और केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स होंगे अच्छे से बने हुए, तो प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स को जरूरत है उसकी, ओके? ज्यादा नहीं तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और ब्लेसिंग्स सबसे अच्छा गिफ्ट होता है इस दुनिया में। जब कुछ काम नहीं आता तब ब्लेसिंग्स ही काम आती है। चलिए, मैंने यहाँ पे अभी जस्ट ये लिखा हुआ है, जो एल्काइल हैलाइड्स की हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जहाँ पे हमारे पास रुका हुआ था, मतलब जहाँ तक हमने किया था वो क्या था कि एल्कोहल से कैसे बनता है वो हमने किया, एज वेल एल्कीन से कैसे हमारे पास बनते हैं वो हमने किए। इसके अलावा ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एल्काइल हैलाइड्स जो है वो हम बना सकते हैं। और पहला मतलब थर्ड जो मेथड है, अगर मैं ओवरऑल में गिनूं अल्कोहल और एल्कीन्स के बाद, जो थर्ड मेथड है एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का, वो है फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है? तो आपने कई बार देखा होगा कि एल्केन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और उसको हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं अंडर यूवी लाइट या हीट। वही बात आ गई, या फोटोकेमिकल कंडीशन या हीट की कंडीशन अगर मिलती है, तो हमारे पास होता क्या है यहाँ पे कि पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हमारे पास होती है थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी तो हमारे पास बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, और रेडिकल्स जो है उनका जो रिएक्टिविटी है वो काफी ज्यादा होता है। तो मतलब जहां पे भी मिलेगा वो वहां पे रिएक्शन करने लग जाएगा। तो जैसे क्लोरीन के रेडिकल्स बन गए, तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिक्सचर का प्रोडक्ट देता है, कभी भी पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पोली हैलाइड्स। मतलब आपको मोनो हैलाइड भी मिल सकता है और पोली हैलाइड्स भी मिल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल रखा गया है कि अगर एल्केन्स में मैंने मिथेन लिया, सबसे सिंपलेस्ट वाला, तो मिथेन को जब मैं क्लोरीन के साथ अंडर यूवी लाइट या फिर हीट ट्रीट करती हूँ, तो मुझे मल्टीपल यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन हो रही है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो उसमें पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, कोशिश करना कि अगर बहुत छोटे छोटे डाउट्स होंगे तो उनको क्लास के एंड तक रखना। मेरा अभी थोड़ा सा ये है कि मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूं, तो जिसका जो भी डाउट होगा अगर क्लास के एंड में पूछ सकते हो तो थोड़ा सा वेट कर लेना तब तक। मैम तुमने बोलिए। स्टार्ट करवाया है? हाँ, यही से स्टार्ट मैंने करवाया। स्टार्ट करा, मैंने भी यही पूछना था। हाँ, मैम स्क्रीनशॉट लेना भी साइड से। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो। मैम मैम कब आ गया, आज क्लास नहीं होगी हमारी इनऑर्गेनिक की, तो आप ले सकते? नहीं है, नहीं है कंफर्म कर लिया था मैम से? मैम मैम ने भी मैसेज किया है। अच्छा, ग्रुप में कर दिया? हाँ जी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ओके। देखो तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एल्केन से रिएक्शन होनी है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो जैसा मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन रखा जाएगा या ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन ये दोनों होती है हमारे पास। तो उस केस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली एक मिलेगा। हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके मोनो वाले भी मिल सकते हैं, पोली हैलाइड्स वाले भी मिल सकते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो उसमें एक प्रोडक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट मिलने के ही चांसेस हमारे पास यहाँ पे बनते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं, तो नेक्स्ट मेरे पास एक रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज।
तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हेलोजन क्या करना है, हमें एक्सचेंज करना है, मतलब पहले से ही एल्काइल हेलाइड दिया होगा और वहां उस हेलाइड को रिप्लेस करके हमें कोई दूसरा हेलाइड रखना होगा। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, क्या नोटिस की, कि जो हमने अभी तक रिएक्शंस किए उसमें ज्यादातर हमने जिक्र किया क्लोरीन और ब्रोमीन का, हमने कहीं नहीं कहा कि आयोडीन वाला या फिर हमारे पास फ्लोरीन वाला भी बन रहा है। तो फ्लोरीन और आयोडीन के लिए पर्टिकुलर रिएक्शंस है हमारे पास, जो अभी तक हम कॉमन रिएक्शंस की बात कर रहे थे उसमें क्लोरीन वाला और ब्रोमीन वाला ये हमारे पास बन रहा था। तो यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस के थ्रू हम आयोडीन वाले और फ्लोरीन वाले हैलाइड्स को भी, एल्काइल हैलाइड्स को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिसके लिए पर्टिकुलर रिएक्शंस है। अगर हमें यहाँ पे आइडो एल्केन्स बनाने हैं या एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हैं विद NaI सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोन या मिथेनोल। अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड, पर्टिकुलरली आयोडाइड के लिए ही ये रिएक्शन है, जिसमें हुआ क्या, एक हेलोजन को एक्सचेंज करके दूसरा हेलोजन आया है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, अगर हमें आयोडाइड वाला बनाना है तब तो फिंकलस्टीन रिएक्शन मिल गई जिसमें हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, बट अगर हमें फ्लोरीन वाला बनाना है, क्योंकि हमने जो पहले रिएक्शंस करी उसमें हमने कहीं पे भी आयोडीन या फ्लोरीन का जिक्र नहीं किया, हम ज्यादातर बोल रहे थे या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। तो फ्लोरीन वाली रिएक्शंस करने के लिए या हमें फ्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए या एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए अगर कोई रिएक्शन करवानी है तो उसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा, अगेन ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, एक हेलोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन उसकी जगह पे आएगा। तो RX हमारे पास यहाँ पे अगेन या तो क्लोरीन वाला हो सकता है या ब्रोमीन वाला हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इनको रिप्लेस करके आयोडीन वाला भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आयोडीन भी अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो उसको रिप्लेस करना है हमें ऐसे रिएजेंट के साथ जिसके पास फ्लोरीन है, जैसे AgF या आपका सिल्वर के साथ या मर्करी के साथ, कोबाल्ट के साथ, या फिर आपके पास यहाँ पे SB हमारे पास क्या होता है, एंटीमनी, एंटीमनी SN-ISTIN ना, हाँ एंटीमनी फ्लोराइड के साथ, दिमाग से स्किप कर गया। तो हमारे पास यहाँ पे अगर इन मेटल्स के साथ फ्लोराइड का रिएजेंट है तो हमें बेसिकली देखना है कि फ्लोराइड कंटेनिंग रिएजेंट होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक फ्लोराइड कंटेनिंग रिएजेंट अगर हमें एल्काइल हैलाइड के साथ दिया है तो हम यहाँ पे फ्लोरो एल्केन्स या एल्काइल फ्लोराइड सिंथेसाइज करवा सकते हैं। और जब हमारे पास फ्लोरो एल्केन सिंथेसाइज हो रहे हैं विद फ्लोरीन कंटेनिंग रिएजेंट तो उनका नाम, उस रिएक्शन का नाम है स्पेसिफिकली स्वार्ट्स रिएक्शन। इसके अलावा मैंने एक और रिएक्शन लिखी है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी उसमें, हंस डिकर रिएक्शन। तो हंस डिकर रिएक्शन में हमने क्या किया था, सिल्वर सॉल्ट लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, वही चीज यहाँ पे हुई है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड रिफ्लक्स कंडीशन, मतलब थोड़ा सा हीट ज्यादा कर दिया गया है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो हमारे पास CO नेगेटिव होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और हमें यहाँ पे मिल जाता है ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड। तो ये वाली रिएक्शन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एल्काइल हैलाइड्स की जो प्रेपरेशन है एल्कोहल और एल्कीन्स के अलावा इस तरीके से करवाई जा सकती है, या तो एल्केन्स को आप थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन दो जहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है और जहां पे एक प्रोडक्ट नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, या तो हेलोजन एक्सचेंज करवाओ। हेलोजन एक्सचेंज में अगर प्रॉपरली आपको आइडो वाला बनाना है तो फिंकलस्टीन रिएक्शन, अगर प्रॉपरली आपको फ्लोरो वाला बनाना है तो स्वार्ट्स रिएक्शन, और अगर आपको ब्रोमो कंपाउंड ब्रोमो हैलाइड्स बनाने हैं या ब्रोमो एल्केन्स बनाने हैं या एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो और उसे हम कहते हैं हंस डिकर रिएक्शन।
तो जहां पे नाम आ जाता है वहां पे पर्टिकुलरली आपको याद होना चाहिए कि किस नाम के अंडर क्या कंडीशंस गिवन थी, जिससे हमने पर्टिकुलरली क्या बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, इन रिएक्शंस में जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को लिखने को अगर रहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, मतलब इसमें आज सच कुछ बड़ा हाईफाई मैकेनिज्म यूज नहीं हुआ है, तो बड़े आराम से समझ आ जाती है। मैम लास्ट में CCL4 के साथ क्या लिखा है? रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मींस हाई टेंपरेचर वाली कंडीशंस। मैम क्लासरूम मतलब यही से, ये थर्ड वाले से, फ्रॉम एल्केन से? हाँ, यस यस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये वाला। ले लिया मैम। ओके चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। और एल्काइल हैलाइड्स के बाद अब हमें प्रिपरेशन की बात करनी है एराइल हैलाइड्स की। एल्काइल हैलाइड्स के बाद प्रिपरेशन है एराइल हैलाइड्स की। तो एराइल हैलाइड्स के लिए पहले मैं वो रिएक्शंस लिखवा देती हूँ जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। मैं उनका यहाँ पे नाम लिखती हूँ, आप लोग मुझे बताओगे कि क्या क्या होता है, लेकिन जिससे पूछूंगी वही बोलेगा ऐसे खिचड़ी पक जाती है, कुछ नहीं सुनाई देता। ठीक है, तो ऐसे मत बोलना, बस मैं जो नाम लिख रही हूँ इनको रिमाइंड कर लो कि क्या क्या होता है, मैं आप ही लोगों से पूछूंगी। सैंडमियर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल्स शीमैन रिएक्शन एंड एराइल आयोडाइड अगर हमें बनाना है तो उसके लिए ऐसे पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट यस रिएक्शन है हमारे पास जिसके थ्रू हम बना सकते हैं। और लास्ट वन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन होंगी, तो वो मैं अलग से आपको बताती हूँ। चलो यहाँ पे फिर हमें कौन बताएगा, हमें यहाँ पे बताएंगे अलंकृता। सैंडमियर रिएक्शन याद है? मैम मुझे नहीं याद। ओके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लो इसको, शैलजा। आई थिंक मैम डाइजोनियम क्लोराइड के साथ जब, हाँ डाइजोनियम क्लोराइड के साथ थी, राइट, देन कॉपर और कॉपर क्लोराइड लेते हैं तो फिर वो क्लोरोब्रोमाइन HBr। अगर हमने लिया कॉपर क्लोराइड विद कॉपर HCl सॉरी तो फिर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। हाँ क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, लेकिन सैंडमेयर रिएक्शन में हम और क्या क्या बना सकते हैं? मैम ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। अगर ठीक है, अगर मैंने Cu2Br2 विद HBr ले लिया तो मैं ब्रोमो बना सकती हूँ, और अगर आयोडीन ले लिया तो वो बन जाएगा? नहीं बनेगा, आयोडीन नहीं बना सकते, वो हम उसके साथ बनाएंगे बाल साइमन रिएक्शन के साथ। नहीं उसके साथ फ्लोरो बनेगा। चलो देखो सैंडमियर का इतना ठीक है, आपके पास सैंडमियर में तीसरा ना साइनो वाला था, साइनाइड वाला था जो सैंडमियर में हमने पढ़ा था, ठीक है, CuCN वाला HCN के साथ, तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। तो सैंडमियर रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, और इस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जब डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास बनता है, अमीन्स की केमिस्ट्री में हमने देखा था, तो अगर उसको हम कॉपर ब्रोमाइड विद HBr ले तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाती है, ब्रोमो कंपाउंड बन जाता है। अगर हम कॉपर क्लोराइड विद HCl ले तो हमारे पास क्लोरो बेंजीन बन सकती है और नाइट्रोजन यहां से रिमूव हो जाता है। तो ये काफी सिंपल इंपॉर्टेंट कॉमन मेथड आप कह सकते हो जिसमें हम एराइल हैलाइड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं।
गेटरमैन रिएक्शन में क्या डिफरेंस था जितेंद्र? ब्रोमो वाले में सिर्फ ब्रोमीन लगा है, क्लोरीन भी लगा हुआ है। ब्रोमो वाले में सिर्फ ब्रोमीन प्लस नाइट्रोजन है आगे। ठीक है, ऊपर वाला विजिबल नहीं है ना वो? अच्छा, विजिबल नहीं है, अभी दिख रहा है? हाँ जी मैम। ओके चलो, नेक्स्ट टर्म फिर आपकी है। जितेंद्र बताओ, गेटर पेन में क्या पढ़ा था हमने? मैम इसमें मैं पर असाइलेशन से कि जब CH3 Cl AlCl3 दी प्रेजेंस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कौन सी असाइलेशन थी गेटरमैन में भाई? गेटरमैन फोटोसिंथेसिस से की। तन्वी याद है आपको गेटरमैन के बारे में? नहीं मैम, मेरे को याद नहीं है। गुरमीत, मेरे को तो वैसे ही ऑर्गेनिक बहुत टफ लगती है, ये रिएक्शन से तो याद करनी है मैंने। इसमें बेस यूज होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैं बताऊं, क्लोराइड की जगह कौन 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 बताने के लिए कह रहा है? कॉपर क्लोराइड की जगह कॉपर पाउडर कह रही थी मनप्रीत। यस हाँ मनप्रीत, आप भी बताओ, राधिका भी बता रहे डाइज़ोनियम डाइक्लोराइड ही यूज होता है, बस फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl HCl और HBr। राइट, यहाँ पे आपके पास अगर गेटरमैन रिएक्शन है ना, उसमें भी डाइजोनियम सॉल्ट ही यूज किया जा रहा है, डाइजोनियम क्लोराइड आप कह सकते हो यूज किया जा रहा है। बट फर्क क्या है कि यहाँ पे आपने कॉपर जनरली प्लस टू फॉर्म वाला यूज किया था, इसमें कॉपर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करते हो, जो आपको कॉपर पाउडर की फॉर्म में लिखा हुआ भी मिल सकता है या कॉपर वन की फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। बस इतना सा डिफरेंस था विद HCl या फिर HBr। अगर HCl लिया होगा तो आपके पास बन जाए क्लोरोबेंजीन, और अगर ब्रोमीन लिया होगा तो आपके पास बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। हाँ देखो, और ये जो कह रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक टफ लगती है, यही तो याद करनी है, कब याद करनी है? ठीक है, अगर आज की रिएक्शन जो जितना पार्ट आपने आज पढ़ा है, अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करो, ये सब छोड़ के कि मुझे बहुत टफ लगती है ऑर्गेनिक और चैप्टर्स भी है, छोटे छोटे स्टेप्स पे चलना अगर स्टार्ट करो तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है माइंड में आपके अभी भी कि टफ है, रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, तो पहले ना बहुत छोटा सा गोल टारगेट करो। लाइक पहले आप सिर्फ इतना फोकस कर लो कि मैं सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शंस को पढ़ती हूँ, फिर फोकस करो कि मैं सिर्फ एराइल हैलाइड्स की रिएक्शन को पढ़ती हूँ, फिर एक बार कंक्लूड करो कि एल्काइल और एराइल में कौन सी कॉमन रिएक्शंस आई आपको, जिससे आपका काम कम हो जाएगा। कॉमन में क्या है कि दोनों में जाएगी, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके अगर आप सोचोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। बट अगर आप सोचोगे सारी ऑर्गेनिक एक दिन में आ जाएगी, सारा चैप्टर एक बारी में हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर ऑर्गेनिक पहले से उतनी अच्छी नहीं रही है तो। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाओ और माइंड से ये चीजें निकाल दो कि टफ है, मुश्किल है, सब लोग कर रहे हैं तो टफ नहीं है, बस वो मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत करने से थोड़ा सा भी हिचकिचा रहे हो। ओके, जैसे ना ऑर्गेनिक हम लोग कर लेते हैं, जब एक बार करते तो हो जाता है, उसको रिवाइज भी करते 4-5 दिनों बाद ऐसे लगता है ये पहली बार पढ़ रहे हैं। ये मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। ये आपके लिए नहीं, ये कोई भी इंसान होगा, अगर कोई चीज उसने लर्न करी है, समझी नहीं है, कोई उसने लर्न करी है, उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं समझा है, तो अगर आप मेरे से, मैं एक हफ्ता कुछ नहीं पढ़ूं और मेरे से आप पूछो, मैं भी बिल्कुल ब्लैक होंगी, मुझे भी नहीं आएगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा उन सब चीजों को ग्रास्प करने में। इसलिए कोशिश ये किया करो कि इसके पीछे के कंसेप्ट को जहां पे लग सकता है वहां पे दिमाग, मतलब कंसेप्ट लगाओ कि ये कंसेप्ट क्या था, उसको समझो। कंसेप्ट के साथ जब होल्ड करते हो ना आप, कंसेप्ट के साथ जब लर्न करते हो, तो फिर वो चीजें ज्यादा देर तक दिमाग में रहती है। और ये आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ, इवन मैं खुद एडमिट कर रही हूँ कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी एक हफ्ता, 10 दिन 15 दिन महीना, तो मैं भी ब्लैंक खड़ी हो जाऊंगी आपके सामने, मुझे भी नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं कॉन्टिन्यूस हर दिन मैं ऑर्गेनिक पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं ऑर्गेनिक को टच नहीं करती हूँ, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई है ना, और उसी कंसिस्टेंसी ने वो चीजें दिमाग में बार बार बिठाई है, बार बार बिठाई है, अब आप कभी भी पूछ लो तो चीजें याद रहती है। ओके, एक बारी में कोई भी माहिर नहीं बनता है, ना बना है, उसने बहुत मेहनत की है उसके पीछे,
और जब मेहनत की है तभी वो मेहनत फिर दिखती है। तो आपको अभी वो मेहनत करने की जरूरत है, डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है मेहनत करने से। जब मैदान में कदम रख दिया ना तो डट के मुकाबला करो, डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। सोचा था कि अब से ऑर्गेनिक वाइज जैसे जैसे आप करवाओगे वैसे भी तो साथ करने की कोशिश कर लेते भी, कुछ तो हो गई। बिल्कुल, तो आपको आपको ये चीज का ध्यान, हाँ एक मिनट में सुनती हूँ आपकी बात। एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपको ये लगता है कि बाकी लोगों ने जो यहाँ पे 2 घंटे में पढ़ा और उसको 1 घंटे में रिवाइज कर लिया और उनका हो गया तो हमारा भी 1 घंटे में हो जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। खुद का कंपेरिजन नहीं करना, हो सकता है आपको 1 घंटे की चीज को करने में 3 घंटे भी लगे खुद से, लेकिन आपको वो मेहनत कंटिन्यू करनी होगी, ठीक है। वो टाइम देना पड़ेगा, चाहे एक्स्ट्रा देना पड़े, अगर दोगे तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज फिर वही है कि आपका बॉर्डर पे रह जाएगा और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती किसी भी स्टूडेंट के लिए। हाँ जी अंकिता बताइए। मैम मैं ये पूछ रही थी, इसमें आपने HCL लिया है, HPR लिया है, हाँ इसमें HIQ नहीं लिया आपने दोनों में? क्योंकि नहीं बनता, HI जो है ना सैंडमेयर रिएक्शन से बनता है ना गेटरमैन से बनता है। हम कभी भी जो हमारे पास एराइल आयोडाइड कंपाउंड्स है वो इन दोनों रिएक्शन से नहीं बना सकते। जनरली हमारे पास आयोडाइड वाली रिएक्शंस जो होती हैं वो रिएक्शंस रिवर्सिबल होती है। जब भी हम आयोडोनेशन करने की कोशिश करते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हमारे पास रिवर्सिबल होती हैं। तो रिवर्सिबल होने की वजह से क्या होता है, उसमें HI बन जाता है, और HI बन जाएगा और वो रिवर्सिबल हो जाएंगे रिएक्शन तो वापस वो वहीं पहुंच जाएगा जहां से स्टार्ट किया था, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं आयोडोनेशन वाली प्रोसेस में। तो अगर आयोडोनेशन वाली प्रोसेस हमें करवानी भी है तो जनरली हम उसमें ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स यूज करते हैं, लाइक HNO3 या फिर HIO4, इस टाइप के ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हमें यूज करने पड़ते हैं। बट सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन से कभी भी आप जो है वो आयोडो कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं विद इन गिवन कंडीशंस, ठीक है मैम? अभी इतना ही करवाया है आपने? नहीं, मैंने पहले एल्काइल हैलाइड्स का भी करवाया है इससे पहले। मैम वो हमने छोड़ा था मॉर्निंग में ना एलाइलिक हैलोजिनेशन पर, उसके बाद कितना करवा दिया? हाँ, उसके बाद मैंने एल्काइल हैलाइड्स का 4-5 रिएक्शंस थी वो करवा दिए हैं, बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया है उसका, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे आपको, तो नोट कर लेना उसको, ठीक है? हाँ, उसके बाद मैंने एराइल हैलाइड्स का यहीं से स्टार्ट किया है। तो ये ऐसा ना क्वेश्चन आ भी सकता है, कॉलेज कैडर, एक हिमाचल का कॉलेज कैडर है, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन से ना कौन सा कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता। तो उसमें हमारे पास एक क्लोरो वाला था, एक ब्रोमो वाला था, एक साइनो वाला था और एक आयडो वाला था। तो आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? आयडो। हाँ, आयडो वाला, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके लेवल पे भी बन सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि आयडो नहीं बनाते ना सैंडमेयर से ना गेटरमैन से। ओके, बाल शी बेन जो है इसमें फ्लोरो, हाँ फ्लोरो तो बनता है, लेकिन किसके साथ? फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। इसका भी स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ HBF4 के साथ जब ट्रीट करते हैं तब हमारे पास बनता है फ्लोरोबेंजीन। नॉर्मल कंडीशंस में नहीं बनता है, बाल्स शीमैन रिएक्शन तभी तो अलग से है, इसके लिए पर्टिकुलर रिएजेंट है अलग से, उससे हमारे पास जो है वो फ्लोरोबेंजीन बनता है, बाकियों में फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता। और अगर हमें आयडोबेंजीन बनाना है तो जस्ट रिएक्ट इट विद पोटेशियम आयोडाइड। यस, पोटेशियम आयोडाइड। इसके लिए हमें ऐसा कुछ मेटल कॉपर वाला या कॉपर पाउडर ऐसा कुछ यूज नहीं करना होता है, आप डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जस्ट पोटेशियम आयोडाइड के साथ शेक करो, उसकी रिएक्शन करवाओ, तो आपको यहाँ पे आयडोबेंजीन मिल जाता है, जिसके लिए पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, बट यस ये रिएक्शन है। हाँ जी, बाल्स शीमैन रिएक्शन में डाला क्या है? HBCl4। मैम थर्ड रिएक्शन रिपीट करना, लाइट चलेगी। बाल्स शीमैन में हमने यहाँ पे, हाँ HBF4, F4 है ये, 4-4 हो गया ना, F है HBF4। लाइट चलेगी, विजिबल है मैम, ब्लैक बोर्ड तो दिखदा पे वदिया। हां ब्लैक बोर्ड तो दिख रहा है। हां जी,
लेकिन जिन लोगों को चश्मे लगे होंगे ना उनके चश्मे के नंबर बढ़ जाएंगे। मैं भी लगा है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये पहले नोट तो कर लो, देखते हैं 2 मिनट तक देख लेते हैं, लाइट आती है तो ठीक है, अदरवाइज लाइट आने पे लिंक सेंड करती हूँ फिर मैं। मैसेज चल जाएगा, पढ़ा दो, हम लोग कर लेंगे। चलो ठीक है फिर मैं कर्टन हटाती हूँ, अगर हो रहा है ऐसे तो कर लो थोड़ा सा और। ये रिएक्शन नोट कर लो फटाफट सारी चारों। थोड़ा सा ये होगा कि वो पड़ेगी, क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्शन टाइप्स, जैसे यहाँ पे इस तरफ पड़ रही है। मैम ठीक है, मैनेज हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये चारों कर ली, लेफ्ट साइड ही लिखना अगर आगे लाइट। चलो ये वाली तो लिख ली ना सब लोगों ने। यस मैम। NaNO2 हाँ लिया गया है, NaNO2 लिया गया है, बट NaNO2 पता है कब लिया है? NaNO2 तब लिया है जब हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड नहीं लिया हमने स्टार्टिंग में, समझ रहे हो? अगर आपकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन से स्टार्ट हो रही है फिर NaNO2 दिया गया है, तो NaNO2 पहले क्या कर रहा है कि वो जो आपके पास प्राइमरी अमीन है उससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना रहा है, फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ HBF4 रिएक्ट कर रहा है, फिर फ्लोरोबेंजीन बना रहा है। तो NaNO2 यूज किया जा सकता है, बट तब अगर ये हमारी रिएक्शन प्राइमरी अमीन से स्टार्ट होती है तो। ठीक है, लग गया पता? यस मैम। चलो फिर मैं ये इरेज कर रही हूँ। अब इसके अलावा एक और तरीका है एराइल हैलाइड्स को बनाने का, और वो हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 4 मेथड्स लिखे थे हमने शायद यहाँ पे, तो नेक्स्ट अब आपके पास है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसके थ्रू भी हम एराइल हैलाइड्स बना सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक कंपाउंड जिसका नाम है, कॉमन नेम क्या है इसका? टॉलवीन। टॉलवीन, ठीक है, टॉलवीन लिया है, तो चलो मतलब ये मान सकते हैं कि CH3 प्रेजेंट है, तो CH3 हमारे पास किस टाइप का ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देते हैं कि आप या तो हमारी ऑर्थो पोजीशन पे आना या पैरा पोजीशन पे आना, इसका मतलब ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो X2 में जो है आप यहाँ पे क्लोरीन भी ले सकते हो या फिर ब्रोमीन भी ले सकते हो। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्लोरो वाले या ब्रोमो वाले कंपाउंड्स बड़े आराम से बना सकते हैं, साथ में हम यहाँ पे लेंगे आयरन जो सिंपल भी मिल सकता है या लुइस एसिड की फॉर्म में भी मिल सकता है। जैसे आपको अगर मैं दे दूं FeCl3, तो इसका भी मतलब यही होगा कि मेटल दी गई है हमें, एक्चुअल में ये जो मेटल है ये हमें यहाँ पे चाहिए लुइस एसिड की फॉर्म में, मतलब एक कैटलिस्ट चाहिए जो रिएक्शन को थोड़ा हाइप अप कर दे, थोड़ा आसान कर दे। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मान लो मैंने क्लोरीन लिया है या ब्रोमीन लिया है, तो मेरे पास यहाँ पे या तो एक्स ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा, जिसमें जनरली मेजर जो होता है वो हमारे पास पैरा वाला बनता है, मेजर जो होता है वो हमारे पास पैरा आइसोमर बनता है। सो दिस इज वन ऑफ द
कॉमन मेथड्स जहां पे हम एराइल हैलाइड्स बना सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्लोरोब्रोमो जी क्या होगा मैम, दोनों एडिशन में तो नहीं आएंगे, आपने मेजर और माइनर मेजर और माइनर लिखा है तो दोनों मतलब साथ में नहीं बनेंगे. यस दोनों बनेंगे, दोनों बनेंगे. इसकी, हाँ, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है. देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब होता है ऑर्थो पे भी आ सकता है पैरा पे भी आ सकता है, बट ज्यादा क्वांटिटी में वो कहाँ पे आएगा, पैरा वाली पोजीशन पे. ओके हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको इस तरीके से पता चलेगा कि देखो आपके पास यहाँ पे अगर ये रिंग दी गई है, ठीक है, और बेंजीन रिंग जो है, चलो आयोडीनेशन करवाती हूँ, बेंजीन रिंग जो है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज है. अगर इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज है तो वो कैसा एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, जिस भी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना प्रेफर करती है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना प्रेफर करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल. तो एरो के ऊपर अगर आपको यहाँ पे कंडीशन ऐसे दी गई है तो वो क्या करेगा, अब वो एरोमेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता, सारे डबल बॉन्ड को ब्रेक तो नहीं कर सकता, तो हमारे पास क्या करता है, अगर ये रिंग मुझे न्यूक्लियोफाइल दे रही है तो ये यहाँ पे प्रोवाइड करता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल. अगर रिंग न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो हमारे पास ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल. तो अब रिएक्शन देख के हमें समझ आया कि इसने इलेक्ट्रॉन देने हैं और इसने इसके साथ आना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, हाँ, सब्स्टिट्यूशन में अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे आऊंगी. ये जस्ट एक आप मेथड लेके चलो कि यस एराइल हैलाइड्स को अगर हमें बनाना हो तो हम इस तरीके से बनवा सकते हैं क्लोरो या ब्रोमो वालों को, बट आयोडोनेशन के लिए हमें अगर आयोडो बनाने हैं तो फिर वही बात आ जाएगी. फॉर आयोडोनेशन वी यूज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स ऑल्सो, मतलब सारी कंडीशंस के साथ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स भी यूज करने हैं लाइक HiO4 या HNO3. HiO4 या HNO3 इस टाइप के ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं. और आगे लिख लो इसका रीजन, टू ऑक्सीडाइज HI फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. मनप्रीत कह रही है मेरी तो हमेशा ही ब्लर रहती है. मनप्रीत अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मुझे बता दो, हाउ कैन आई हेल्प यू. मैंने अभी पूछा था ना कि स्क्रीन ब्लर रह के क्या है, तो फिर उन्होंने आंसर किया कि मेरी तो हमेशा ही ब्लर रहती है. ओके ओके ठीक है, सुनकर ना लिख लेती हूँ या देखकर थोड़ा बहुत जो दिखता है. ओके नेटवर्क का इशू हो सकता है, जैसे मेरा मैं अभी घर गई थी हिमाचल तो मुझे था कि ठीक है मैं क्लास ऑनलाइन ही लेनी है तो मैं घर से भी ले सकती थी, लेकिन मेरे साथ दिक्कत यही है कि वहाँ पे मतलब हम पर्टिकुलर मतलब विलेज वाले एरिया में हैं जहाँ पे ऐसा नेटवर्क है लेकिन इंडोर कवरेज तो बहुत बेकार है. तो अगर आपका फोन यहाँ से यहाँ ऐसे हुआ ना तो नेटवर्क जाने के चांसेस होते हैं, मतलब वो मैसेज भी सेंड नहीं होता, तो वैसे वाला इशू है, इसलिए मैं वहाँ से क्लास ले ही नहीं सकी तो मेरे को वापस आना पड़ा. मैम रिएक्शन अभी विजिबल है
to oxidize HI formed in the reaction. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर तो क्लोरो ब्रोमो बनाते हैं तब तो हम ये वाली रिएक्शन यूज कर लेते हैं, बट अगर हमें क्या करना है, हमें आइडो वाला बनाना है सपोज, ठीक है, तो आइडो वाले कंपाउंड के लिए ना हमें साथ में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जरूर रखना पड़ेगा इन कंडीशन के साथ, जैसे HNO3 या HIO4. क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास, जैसे यहाँ पे अभी हमने बात करी कि जैसे यहाँ से H जो है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में रिप्लेस हो रहा है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहां से H प्लस जाएगा और जो आपके पास Br प्लस वाला होगा वो यहां आएगा. लेकिन H प्लस अगर यहां से गया है तो वो किसी ना किसी के साथ तो जुड़ेगा, तो वो यहां पे किसके साथ जुड़ जाता है? Br नेगेटिव के साथ. तो जो साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? HBr. सिमिलरली अगर मैं आयोडोनेशन करवा रही हूं तो मेरे पास साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? HI. लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब आयोडोनेशन वाली रिएक्शन करवा रहे हैं और हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट साथ में यूज नहीं किए तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, जिसकी वजह से ये वापस वहीं पे पहुंच जाता है जहां से स्टार्ट की थी. तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है उसको खत्म करना पड़ता है. अगर साइड प्रोडक्ट खत्म होगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं जाएगी. इसीलिए इस साइड प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए, या एक तरह से कहा जाए खत्म करने के लिए, हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स यूज करते हैं. और फ्लोरो वाले कंपाउंड्स के लिए हम ये रिएक्शन नहीं करवाते. फ्लोरो वाले जो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन है वो नॉर्मली इस मेथड से, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनती है. ठीक है, ओके. सो अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी मेथड्स थे एल्काइल या फिर एराइल हैलाइड्स को बनाने के, वो हो गए हैं कंप्लीट. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स. Chemical properties of alkyl and aryl halides. और chemical properties का सीधा सीधा link है कि chemical reactions. Chemical properties of alkyl and aryl halides. यहां से question बन जाता है, काफी बार पूछना हो तो पूछ लेता है. वैसे जो हमने अभी तक किया उसमें भी मैंने बताया कि अगर उसको पूछना होगा तो कहाँ से पूछ सकता है. जनरली इस वाले पोर्शन से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है अगर हैलाइड्स का आना है तो. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है हैलाइड्स शो थ्री टाइप्स ऑफ मेजर रिएक्शंस. आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हैलाइड्स हैं वो तीन टाइप की मेजर रिएक्शंस शो करते हैं, या तीन कैटेगरी की रिएक्शन शो करते हैं. पहले हमारे पास यहाँ पे बनेगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरी हमारे पास यहाँ पे बनेगी एलिमिनेशन रिएक्शंस, और तीसरी हमारे पास यहाँ बनेगी रिएक्शंस विद मेटल. तो चाहे हमारे पास एल्काइल वाला पोर्शन है चाहे हमारे पास एराइल वाला है, हम दोनों को ही यहाँ पे देखेंगे. तो एलिमिनेशन रिएक्शन तो हमारे पास एल्काइल वाले पोर्शन में मिलेगी. हाँ, सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन हमें एल्काइल और एराइल दोनों में देखने को मिलेगी. तो पहले थोड़ा बहुत हम मैकेनिज्म्स को डिस्कस करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन में क्या होता है, उसके बाद हम रिएक्शंस पे आ जाएंगे. ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो दो तरह की हमारे पास, वैसे दो तो नहीं है, है तो तीन तरह की आगे हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, फ्री रेडिकल भी हो सकती है. बट हमें यहाँ पे जो देखनी है वो दो ही तरह की देखनी है, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब है? पहली बात, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? देखो सिंपल सा है कि जब हमें ऑर्गेनिक के रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है तो जनरली हमारे पास चार टाइप की रिएक्शंस बनती हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट. जब भी ऑर्गेनिक की सबसे इंपॉर्टेंट या जो मेजर क्लासेस है, क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक के रिएक्शंस की, उनके बारे में बात की जाती है तो ये चार नाम आते हैं कि या तो मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन है, या एडिशन है, या एलिमिनेशन है, या रीअरेंजमेंट है. ठीक है, अब ये चारों में डिफरेंस क्या है? बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है. देखो
आप सब्स्टिट्यूशन तब बोलते हो जब आप रिप्लेस करते हो किसी चीज को, जब आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस करते हो। जैसे आपके पास एक कॉमन से एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई बस चल रही है और आप चाहते हो कि उसमें आपको कोई पैसेंजर बैठाना है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो पहले कोई एक जो बस में पैसेंजर बैठा हुआ है उसको उतारना पड़ेगा, उसकी जगह पे आप नया पैसेंजर रख सकते हो। दैट इज रिप्लेसमेंट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर आपने जो आपके पास कंपाउंड है उसमें से एक न्यूक्लियोफाइल हटाया और बाहर से कोई नया न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे रखा तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे लोन पेयर की फॉर्म में चाहे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल वैसा ही है, बट फर्क क्या है कि एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो उसकी जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, दैट इज रिप्लेसमेंट। बट जब मैंने कहा कि हमारे पास रिएक्शन एडिशन मैकेनिज्म से हो रही है, इसका मतलब है सिर्फ ऐड किया जाएगा, जो बस जा रही है किसी रूट पे उसमें सिर्फ पैसेंजर को बिठाया जाएगा, उतरेगा कोई नहीं, जो भी हमारे पास रिएजेंट है वो जस्ट ऐड होगा, वहां से लीव कुछ नहीं करेगा, वो है एडिशन रिएक्शन। जब एलिमिनेशन बोला जाता है तो नाम से क्लियर हो रहा है कि सिर्फ लीव करेगा, नया कुछ नहीं आएगा उसमें। तो जब हमारे पास बस चल रही है और उसमें से सिर्फ पैसेंजर्स उतर रहे हैं, कोई चढ़ा नहीं, कोई ऐड नहीं हुआ उसमें, तो वो हमारे पास हो गया एलिमिनेशन। और रीअरेंजमेंट में क्या होगा, रीअरेंजमेंट में ना कोई उतरेगा ना कोई चढ़ेगा, ना कुछ ऐड होगा ना कोई लीव करेगा, जो आपके पास बस है उसी में पैसेंजर्स एक दूसरे की पोजीशन पे शफल हो जाएंगे, पहले जैसा दिख रहा था अब वो वैसा नहीं दिखेगा। अगर किसी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है उसी में उथल पुथल होती है, रीअरेंजमेंट होती है, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है विदाउट एनी एडिशन विदाउट एनी एलिमिनेशन, उसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या होगा एलिमिनेशन में, एलिमिनेशन में जस्ट लीव करेंगे, सिर्फ लीव करेंगे, कोई चीज ऐड नहीं होगी, वहां से ग्रुप्स लीव करेंगे। हाँ जी, एलिमिनेशन में डबल ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। हाँ, जनरली डबल बॉन्ड बनते हैं, बट हमारे पास एलिमिनेशन अल्फा बीटा जनरली दो टाइप की होती है, तो अल्फा एलिमिनेशन से हमारे पास कार्बिन और नाइट्रीन भी बनते हैं। जो आप बात कर रहे हो वो बीटा एलिमिनेशन की बात है, तो बीटा एलिमिनेशन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं। ओके, सो वापस आते हैं जहां पे हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन की। तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास दो तरह का यहाँ पे मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिक भी इलेक्ट्रोफिलिक भी। तो न्यूक्लियोफिलिक जो होगा वो मोस्टली हमें मिलेगा मोस्टली इन एल्काइल हैलाइड्स, मोस्टली इन एल्काइल हैलाइड्स। एराइल में बहुत ही रेयर होगा कि कोई एग्जाम्पल मिले, और मिलेगा तो कुछ कंडीशंस के साथ मिलेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक वाली है वो मोस्टली हमें मिलेंगी किसमें, एराइल हैलाइड्स, न्यूक्लियोफिलिक। देखो दो कैटेगरीज है हमारे पास हैलाइड्स की, एक एल्काइल है एक एराइल है, तो हमें देखना है कि दोनों में जो रिएक्शंस है कौन सी वाली ज्यादा मिलती हैं देखने को। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शंस है वो हमें एराइल हैलाइड्स में सबसे ज्यादा मिलती है देखने को, जो सबसे कॉमन है, फेमस है। और जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक वाली है वो एल्काइल हैलाइड्स में मिलती है। ठीक है, रीजन बहुत सिंपल सा है कि जब आपके पास देखो RX ये कोई एल्काइल हैलाइड है और मैं चाहती हूँ कि कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करे, कैसे करेगा, इस R पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और X को इन द फॉर्म ऑफ X नेगेटिव भेज देगा, इन द फॉर्म ऑफ X नेगेटिव भेज देगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि एक न्यूक्लियोफाइल गया और उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, इसको मैं बोलूंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड में तो इजी है, बट एराइल हैलाइड में नहीं हो सकता आसानी से। जो एराइल हैलाइड है उसमें नहीं हो सकता आसानी से, पहली बात, नॉट पॉसिबल इजीली, या वेरी लेस रिएक्टिविटी, ऐसा लिख लो कि इसमें रिएक्टिविटी बड़ी कम देखने को मिलती है। देखो पहली चीज, ये जो आपके पास बेंजीन है ना, ये एरोमेटिक सिस्टम है, उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। जब इतने सारे इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, खुद का एक क्लाउड बना लेते हैं। और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रेजेंट है
आप चाहते हो कि न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन पे अप्रोच करे, यहाँ पे अप्रोच करे जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या ये हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप एरोमेटिक सिस्टम्स की बात करते हो और उनके पास खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो न्यूक्लियोफाइल जो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज है, वो उस एरोमेटिक सिस्टम के पास अप्रोच नहीं कर पाते। बहुत सिंपल सा रीजन है, जो एरोमेटिक सिस्टम है उनके पास खुद पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल उसी बेंजीन वाले कार्बन पे आके वो अटैक करे, इसको रिप्लेस करे, तो वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो पाता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बन है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत सारी रख रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल अपने आप एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज है, दो न्यूक्लियोफाइल या दो रिच वाली स्पीशीज पास आएगी तो वो रिपेल करेगी, वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। इसलिए न्यूक्लियोफाइल जब एरोमेटिक रिंग के पास आना चाहता है तो आसानी से नहीं आ पाता है, और इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल नहीं मिलते। इसलिए मैंने क्या लिखा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो मोस्टली आपको एल्काइल हैलाइड में मिलेगी, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में ऐसा कोई रिपल्शन नहीं है। ये R ग्रुप जो है इसके पास कोई बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, कोई पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आराम से अटैक कर सकता है। जबकि जब डबल बॉन्ड पे अटैच्ड होगा हैलाइड तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल रिपेल होगा, अटैक नहीं कर पाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर डाउट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का तो पूछ लो यहाँ पे, अभी आगे मैं करूंगी, बट जितना मैंने बोला है सिर्फ उस पे कि एल्काइल में आसानी से हो सकती है, एराइल में नहीं हो सकती। ये समझ आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए? ओके अगर यहाँ पे डाउट है किसी को तो पूछ लो। दूसरी चीज होती है, दो एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगी जो सबसे कॉमन है वहां पे होती है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती। अभी मैंने लिखा है वेरी लेस रिएक्टिविटी। हाँ, एराइल वाला दोबारा बता दो थोड़ा सा। देखो आपके पास एराइल में क्या है, एरोमेटिक रिंग है, और एरोमेटिक रिंग में हमारे पास यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड्स बने हैं ये पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बने हैं। तो अगर मान लो मेरे पास बेंजीन कुछ ऐसा प्लेनर स्ट्रक्चर है तो उसके ऊपर ऐसे पूरे पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, अपने आप एक ऐसी स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज है। वो जब इसके पास आएगी जिसके पास पहले से काफी इलेक्ट्रॉन्स है, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा? नो मैम, नहीं करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि हैलाइड बिल्कुल इसी कार्बन पे अटैच्ड है जो बेंजीन का कार्बन है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे अप्रोच नहीं कर पाता है आसानी से। अगर यही मेरे पास हैलाइड कार्बन छोड़ के आगे कहीं प्रेजेंट होता तो बड़े आराम से कर सकता था, लेकिन बिल्कुल बेंजीन वाले कार्बन के साथ हैलाइड अटैच्ड है तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाता है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसको तोड़ भी नहीं पाता है, और दूसरी चीज हमारे पास ये भी है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में काफी ज्यादा होती है, तो रिच वाली स्पीशीज जो है वो अप्रोच नहीं कर पाती, रिपल्शन होती है, क्योंकि बेंजीन कहता है मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ, बेंजीन कहता है मेरे पास है काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उनके बीच इंटरेक्शन नहीं हो पाती। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती है। एक दो एग्जांपल्स है जो मैं भी आपको बताती हूँ। इसके हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि पहले बेंजीन को मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे वो करने पड़ेंगे तभी वो लेगा उससे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें बेंजीन के साथ, विड्रॉइंग ग्रुप अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा के फिर अटैक करवा सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, फिर हो सकती है। बट वही है कि पहले आपको बेसिक एक चीज समझनी है कि अगर नॉर्मल बेंजीन है तो उस पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं करवा पा रहा है, वो चीज क्लियर होगी तो उसके बाद फिर हम बात कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसा फैक्टर प्रेजेंट है जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे। अगर हाँ तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कौन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर फिर हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हो जाए, देन पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल फिर उसको अप्रोच कर सके,
है ना। तो नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास ये कंसेप्ट चलता है कि रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड में जितनी आसानी से होती हैं, एराइल हैलाइड्स में उतनी आसानी से नहीं होती। बट ऐसा नहीं है कि हम एराइल हैलाइड्स में नहीं करवाएंगे। एराइल हैलाइड्स में मैंने जैसे लिखा है वेरी लेस रिएक्टिविटी अगर कोई विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो। बट अगर मैं विदड्रॉइंग ग्रुप रखती हूँ उससे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाता है और फिर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, यहां तक अभी कोई सवाल, कोई भी डाउट अगर किसी को है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं आगे की बात करती हूँ। यहाँ पे तो जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ कि नॉर्मली तो नहीं होगा लेकिन जहां पे हो सकता है वो कौन सा एग्जांपल है, वो हमारे पास आप यहाँ पे बेशक लिख लो। जनरली लिख लेना, ये कंफ्यूजन ना हो आपको। जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी लेस रिएक्टिव या वेरी लेस फिजिबल, रिएक्टिव की जगह लिखो फिजिबल, इन एराइल हैलाइड्स generally nucleophilic substitution is very less visible in aryl halides due to electron cloud of benzene which repels nucleophile। मैम visible ही लिखना पड़ेगा, कुछ और नहीं लिख सकते? कुछ और लिख लो जो आपका मन है, मुझे अभी visible ही याद आ रहा है शब्द। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन विच, अगर किसी को पर्यायवाची फिजिबल का याद आ रहा है बता दो, इजी हो जाएगा इस मंदीप के लिए। पॉसिबल, हाँ पॉसिबल लिख लो। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी लेस पॉसिबल या फिजिबल इसलिए लिखा है कि वो थोड़ी सी अपनी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो उतने अच्छे से नहीं दिखाता है एराइल हैलाइड्स में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन विच रिपेल्स न्यूक्लियोफाइल। इतना जो मैंने बोला क्लियर हो गया, आगे आप लिख सकते हो बट attachment of electron withdrawing groups या group can make it possible। But अगर attachment of electron withdrawing groups on benzene ring, can make it possible। कि नॉर्मली तो नहीं हो रहा है बट अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दे तो फिर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। वो ऑर्थो होगा ये पैरा। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। हाँ देखो, आपको सारे सारे बता रही हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे आपके पास NO2 है, ऑर्थो पे ले लो, मेटा पे ले लो, पैरा पे। ये आपने ऑर्थो वाला ले लिया, ये आपने मेटा वाला ले लिया, ये आपने पैरा वाला ले लिया। ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पे मान लो न्यूक्लियोफाइल लेती हूँ NaOH, तो एक्वस NaOH सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया विद सम एक्वस NaOH विद सम फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में डाइल्यूट HCl। ठीक है, वर्कअप की प्रोसेस भी कह सकते हो आप यहाँ पे। नॉर्मली जहां पे भी हमें प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में अब हमारे पास क्या हुआ कि NO2 जो था वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा कि वो बेंजीन से रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है तो इस कार्बन पे जहां पे हैलाइड प्रेजेंट है वहां पे फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो रही है। और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी मींस जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है OH नेगेटिव, वो आराम से अटैक कर सकता है। हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि वो यहाँ पे अगर अटैक करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो NO2 के साथ जाके शिफ्ट हो सकते हैं
और शिफ्ट होके या स्टेबलाइज हो सकते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो क्लोरीन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कहती ये है कि एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जाएगा, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यस, इट इज पॉसिबल अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखते हो तो उसकी जगह पे हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ सकता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देखा जा सकता है। तो जहां पे हैलाइड होगा उसको रिप्लेस करके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे कौन था न्यूक्लियोफाइल, NaOH में OH नेगेटिव। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो कि नॉर्मल कंडीशंस में जब हमने बात करी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अल्काइल हैलाइड्स में तो देखने को मिलता है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे SN1 SN2 की फॉर्म में। बट जो हमारे पास एराइल हैलाइड्स हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मली नहीं होता है। अब नॉर्मली नहीं होता तो इसका क्या मतलब, कभी नहीं होता? तो उसके लिए आंसर ये है कि हो सकता है, बट उसके लिए रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का होना जरूरी है। एक या एक से ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे तब हमारे पास हैलाइड को रिप्लेस करके कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल रखा जा सकता है। मैम मेटा वाला तो इतना इफेक्ट ही नहीं करता। मेटा वाला इफेक्ट क्या नहीं करता, मतलब कि उसको निकालने के लिए? हाँ ठीक है, नहीं करता, बट अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को भेजोगे रेजोनेंस मेटा पे नहीं जाएगी लेकिन मेटा की एडजेसेंट पोजीशन पे आएगी। तो एटलीस्ट NO2 जो है अगर रेजोनेंस से नहीं कर सकता तो माइनस आई से स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, NO2 का माइनस आई भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेजोनेंस वाला ही करता है। अगर आप यहाँ पे अटैक करते हो न्यूक्लियोफाइल का तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो शिफ्ट होके या तो NO2 के ऑर्थो पे यहाँ आएगा या यहाँ पे आएगा, तो उसको भी तो NO2 अपने माइनस आई से स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो मेन मुद्दा हाँ स्टेबलाइजेशन का है कि जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साथ एंगेज कर रहा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मैम ये ऑर्डर में भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कौन फास्ट शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? हाँ आ सकता है, बताओ कौन कर सकता है? सबसे पहले ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा। और रीजन क्या है इसका? ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कांसेप्ट न्यूक्लियोफाइल के टैग से क्यों? मैम स्टेबिलिटी बाद में जब बन रहा है कि ऑर्थो में सिंपल है। मैम रेजोनेंस तो लगाएंगे भी, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा। फिर पैरा ते स्टेबलाइज होएगा, पैरा दूर है। मैम सब तो ज्यादा जे रिएक्टिविटी आपा देखिए ता जदों तिना थावां ते नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा 2, 4, 6 ते उंदी होएगी, मतलब जे सब तो ज्यादा देखिए उंदी सब तो ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल दे नाल, क्योंकि मैम 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएंगे जिवें आपा 2, 4, 6 ते ला दईए। नहीं हाँ वो तो ठीक है, जितना आपके पास नंबर बढ़ेगा उतना ज्यादा होगा, बट अगर इन तीनों में एक एक ही प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे? सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा मेटा, ऑर्थो में जो है वो मतलब कि नेगेटिव चार्ज साथ वाली पोजीशन पे जल्दी स्टेबलाइज होएगा, पैरा के लिए उसे थोड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मेटा पे खुद पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता। बाकी में रेजोनेंस है, मेटा वाले में सिर्फ इंडक्टिव है। हाँ देखो इसमें हमारे पास जो है जनरली यहाँ पे जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाला है ना, उसमें अगर हम स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो आप NO2 को ओपन करके अगर लिखोगे तो रेजोनेंस पॉसिबल है। ऑर्थो वाला शो कर सकता है, पैरा वाला शो कर सकता है, लेकिन मेटा वाला अगर शो करेगा तो वो सिर्फ क्या है, माइनस आई। तो इसमें तो हमारे पास जो मेटा वाला है वो सबसे स्लो जाएगा। ठीक है, बट ऑर्थो और पैरा में अगर देखा जाए तो ऑर्थो वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए अटैक के लिए, बिकॉज रीजन क्या है कि ठीक है माइनस आर तो इसमें भी है इसमें भी है, बट दूसरी चीज क्या है कि ये पास में प्रेजेंट है, तो माइनस आर के साथ जो माइनस आई लगेगा ना इसका, वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो एज
इफ दे आर कंपेयर्ड, तो पहले हमारे पास ओर्थो होना चाहिए, फिर पैरा होना चाहिए, फिर मेटा होना चाहिए, क्योंकि ओर्थो और पैरा में हमारे पास माइनस आर लग रहा है, बट ओर्थो का थोड़ा सा ज्यादा, क्यों? क्योंकि जब इस न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच करनी है तो विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो माइनस आई भी ज्यादा स्ट्रॉन्गली लगा सकता है क्योंकि ये इसके पास पे है, तो उस हिसाब से ओर्थो पैरा देन मेटा होना चाहिए। ठीक है मैम, ये ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा। ओके क्या चीज का इश्यू आ रहा है आपको, मतलब कौन से स्टेप में डाउट आया बताओ? जो ये ऑर्डर नहीं किया मेटा वाला। हाँ जी, मतलब क्या चीज नहीं आ रही मेरे को ये बता दो। आपको रेजोनेंस या माइनस आई का इश्यू आ रहा है वो समझ आ गया है? मैम ऑर्थो और पैरा का कंपैरिजन एक्सप्लेन कर दो दोबारा। ऑर्थो पैरा और मेटा तीन चीजें थी। ठीक है, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हमने जीओसी में भी डिस्कस किए हैं, बट आप चलो फिर से सुनो। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि अगर NO2 क्लोरीन के बिल्कुल ऑर्थो पे प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो शो करेगा रेजोनेंस। कैसे शो कर सकता है रेजोनेंस? कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन जो वो NO2 पे जाके स्टेबलाइज हो सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्थो पे अगर NO2 प्रेजेंट है तो वो माइनस आर शो करेगा। सिमिलरली अगर यही NO2 पैरा पे प्रेजेंट है तब भी सेम चीज शो कर सकता है। ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है, कई बार, एक बार नहीं कई बार, कि अगर अटैक करता है और विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे प्रेजेंट है तो इट मींस वो रेजोनेंस शो कर रहा है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ यहाँ पे स्टेबलाइज कर सकता है। बट अगर वो मेटा पे प्रेजेंट है तो मेटा पे क्या होता है कि रेजोनेंस नहीं पॉसिबल, मेटा पे रेजोनेंस नहीं पॉसिबल, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास जब हम ऐसे अटैक कर रहे हैं तो या तो ऑर्थो पोजिशन पे बन रहा है नेगेटिव चार्ज, या अगर हम इसको आगे भेज दें तो पैरा पे बनेगा, कभी भी इस मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो NO2 यहाँ पे माइनस आर शो नहीं कर सकता, तो NO2 यहाँ सिर्फ और सिर्फ शो करेगा माइनस आई। अब आपके पास तीन ग्रुप्स हैं यहाँ पे, एक ऑर्थो वाला, एक पैरा वाला, एक मेटा वाला, जिसमें ऑर्थो और पैरा जो है वो माइनस आर शो कर रहा है और पैरा वाला मेटा शो कर रहा है। फिर अब अगर दो माइनस आर वाले हैं तो मुझे पता है कि माइनस आर इज मोर डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई, रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। माइनस आई वाला इंडक्टिव इफेक्ट जो वो रेजोनेंस से थोड़ा वीक होता है तो उसकी वजह से रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अब ये बन गया कि दोनों में माइनस आर है, ऑर्थो में भी और पैरा में भी, फिर अब कैसे बताए? तो उस केस में हमें यहाँ पे माइनस आई भी देखना पड़ा साथ में, एंड माइनस आई देखना पड़ा। तो माइनस आई जो है NO2 ग्रुप, आपने पढ़ा होगा कि जब हम इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर पढ़ते हैं तो उसमें NO2 ग्रुप जो वो माइनस आई की तरह भी एक्ट कर सकता है, और इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, जितना पास में होगा उतना स्ट्रॉन्गली विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब दोनों में ही माइनस आर आ गया तो हमारे पास कंपैरिजन का जो हिस्सा बना वो बना डिस्टेंस, यानी इंडक्टिव इफेक्ट। जो ज्यादा पास में होगा वो स्ट्रॉन्गली विड्रॉ करेगा, जो थोड़ा दूर होगा वो थोड़ा स्लोली विड्रॉ करेगा। दैट्स व्हाई जो ऑर्थो था उसका हमारे पास माइनस आर और माइनस आई सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि वो ज्यादा पास था। फिर पैरा वाला आया क्योंकि उसमें माइनस आर था, और फिर मेटा वाला आया क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या अभी क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट मैम। हाँ जी, क्लास कितने बजे तक चलेगी? बस ये मेरे को फिनिश करना है। कोई क्लास है आपकी आज? नहीं मैम, है तो मैं आपकी। कब पे? वो तो 7 बजे है। अच्छा बस ठीक है, आपका ये थोड़ा सा ही रहता है, लाइक 5 बज गए मैक्स, मतलब 5:45 तक जा सकता है थोड़ा सा। ठीक है, हाँ। तो हमारे पास ना एक यहाँ पे रिएक्शन होती है डॉल्स प्रोसेस, वो इसी तरीके की है जहां पे हम क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या रख सकते हैं, OH, फिनोल को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर फिनोल हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन से तो वो इस तरीके से बन सकता है, जिसमें हमें यहाँ पे NaOH चाहिए, ट्वाइस NaOH,
और फिर वो हमारे पास यहाँ पे क्या करता है, वो हमारे पास बनाता है सॉल्ट, जिसमें हम वर्कअप करते हैं, तो वर्कअप से बन जाता है हमारे पास फिनोल। इसको डॉल्स प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन को रिप्लेस किया जा रहा है, क्लोरीन को रिप्लेस किया जा रहा है OH से। बट ये सिंपल कंडीशंस में नहीं होती है, इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की है कि जब हमारे पास एराइल हैलाइड्स होंगे तो उसको रिप्लेस करना जो है वो हमारे पास इजी प्रोसेस नहीं है, इजी नहीं है। तो उसके लिए एक तरीका हमने ये पढ़ा कि अगर उसमें विड्रॉइंग ग्रुप्स बेंजीन में प्रेजेंट हो जाए तब हम कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई है और स्पेसिफिक एटमोस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है तो जाके हमारे पास रिप्लेसमेंट हो सकती है। और इसमें पहले क्या बनता है, पहले हमारे पास बनता है सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड को फिर फर्दर हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ या वर्कअप की प्रोसेस करवाते हैं और फिनोल बनवाते हैं। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, अलग से डॉल्स प्रोसेस हाईलाइट कर लेना कि फिनोल की सिंथेसिस हो सकती है फ्रॉम हैलाइड्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में तो हम क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकते, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन की, और सब्स्टिट्यूशन में भी अभी किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। और न्यूक्लियोफिलिक में मैंने जैसे बोला कि हमारे पास एल्काइल में होती है बट एराइल में नहीं होती, तो एराइल में जब नहीं होती है वो भी हमने देख लिया, जब होती है वो भी देख लिया, बट हमने एल्काइल वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस नहीं किया। तो ये जो एल्काइल वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसी में हम बात करेंगे SN1 एंड SN2 की, SN1 एंड SN2 की। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक, पहली है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको हम कहते हैं SN1। दूसरी हमारे पास है यहाँ पे बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं SN2, जो हमें एराइल हैलाइड्स में नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है। हमने बात कर ली है कहाँ देखने को मिलती है, हमें एल्काइल हैलाइड्स में। तो इन दोनों का क्या मैकेनिज्म का बेसिस है और क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे ध्यान से सुने। पहली हमारे पास है यहाँ पे SN1। देखो जब भी SN1 रिएक्शन होनी है, हमारे पास मान लो कोई एल्काइल हैलाइड है और कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, तो उस केस में सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ इसकी इंटरेक्शन होने की वजह से, सॉरी न्यूक्लियोफाइल के साथ नहीं, सॉल्वेंट के साथ। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे वाटर ही प्रेजेंट है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर में भी प्रोटिक वाला ज्यादातर हम लेते हैं, सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से हमारे पास यहां बनता है कार्बोकेटाइन, फिर न्यूक्लियोफाइल आता है और यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है। मतलब सबसे बेसिक चीज अगर हमें SN1 की समझनी है तो वो कुछ ऐसी है। SN1 कब बोलते हैं हम, SN1 तब बोलते हैं जब हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स में पहले कार्बोकेटाइन बनता है फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, इंटरमीडिएट बनता है क्या, कार्बोकेटाइन। SN1 हम तब बोलते हैं जब हमारे पास रिएक्शन जो है वो टू स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन होने के साथ साथ इसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है, और इंटरमीडिएट भी कौन सा बनता है, कार्बोकेटाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं SN1 के कि ये टू स्टेप प्रोसेस है। पहली स्टेप में हमारे पास, पहली स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन जो है ये स्टेप 1 है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है ये स्टेप 2 है। टू स्टेप रिएक्शन है, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। जो इंटरमीडिएट हमारे पास यहां पे बनता है उसका नाम है कार्बोकेटाइन।
तीसरी चीज जो हमारे पास रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, या दूसरी भाषा में कहना हो तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब तीनों में से कुछ भी हो आपको पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन का जो हमारे पास रेट है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नहीं कहना है तो आप कह सकते हो कि जो हमने ये हैलाइड लिया है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग सबस्ट्रेट, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये नहीं कहना हो तो आप सिंपल कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा है, स्टेप वन या स्टेप टू? मैम स्टेप वन जिहड़ा स्लो हुंदा। यस स्टेप वन मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूँ जिसमें से स्टेटमेंट रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है SN1 के बारे में, कि जब SN1 रिएक्शन हो रही है तो उसमें हमारे पास कितने स्टेप प्रोसेस है। जी 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। जो हमारे पास रेट है SN1 रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है? अगर हमें सिंपल क्वेश्चन आया है कि SN1 किस में फास्ट होगी तो हम वहां देख सकते हैं कि कार्बोकैटायन किस में स्टेबल बनेगा। तो मींस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। जितना कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, जितना कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा SN1 रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, क्योंकि रेट जो है वो इसी स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई जो फर्स्ट स्टेप है उसी को बोला गया है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट है रासायनिक मिक्सचर बनता है। हाँ नीचे का ही रेज मत करना मैम। नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। जो हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या कहती है कि जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे है CH3Cl, मतलब CR रख देती हूँ, CR3Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में ये क्लोरीन चला जाएगा। सपोज मैंने वाटर लिया है यहाँ पे सॉल्वेंट, तो मेरे पास ये बनेगा R3C+। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो भी मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो अटैक करेगा। लेकिन जब कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा कुछ दिखेगा आपको। और ट्राइगोनल प्लेनर में जब न्यूक्लियोफाइल कुछ भी है, सपोज OH- ही क्यों नहीं है, यही मान लो कि OH- हमारे पास प्रेजेंट है एज न्यूक्लियोफाइल, तो देखो कार्बोकैटायन में क्या होता है, प्लेनर ज्योमेट्री है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हमने इंटरमीडिएट्स में पढ़ा है ये। तो इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, और जब वेकेंट p ऑर्बिटल रहेगा तो इसकी अप लोब भी खाली है और डाउन वाली लोब भी खाली है, मतलब ये जो OH- है ये अप से भी अटैक कर सकता है और ये जो OH- है ये डाउन से भी अटैक कर सकता है। तो आपको यहाँ दो प्रोडक्ट मिलेंगे, OH ऊपर से अटैक करता है तो ऐसा मिल सकता है, OH नीचे से अटैक करता है तो ऐसा मिल सकता है। दो प्रोडक्ट्स लिखने हैं आपने। अगर वो अप से अटैक करता है, OH ऊपर वाली जो लोब है वहां से अटैक करता है तो भी बन सकता है आपके पास, अगर नीचे वाली लोब से अटैक करता है तो भी प्रोडक्ट आपके पास बन सकता है कुछ ऐसा, ठीक है। ऊपर मैम OH ग्रुप है, बिल्कुल ऊपर मैम। हाँ OH है।
लिख लिया इतना? यस मैम। ओके, तो देखो मैंने SN1 रिएक्शन में अभी तक क्या डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया कि SN1 रिएक्शन जो है वो हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, और इंटरमीडिएट इसमें कार्बोकैटायन बनता है। जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कि कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। या दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो कंसंट्रेशन है इसी पे फर्क पड़ेगा हमारे पास आगे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट है, बिकॉज जो फर्स्ट स्टेप है उसी को हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये स्लो स्टेप होता है। तो अब हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या कह रही है कि जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं SN1 के थ्रू, तो उसमें हमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। और इन केस आपने जो ये यहाँ पे, हाँ जी मैम, आपने बोला कंसंट्रेशन का इस पे इफेक्ट पड़ता है सबस्ट्रेट का, तो मैम ये जैसे R3C है, ये तो मैम अकेला ही टर्शरी बना रहा है कार्बोकैटायन, तो मैम और अगर आ जाएंगे तो उससे क्या फर्क मैम? ये तो R3 से भी दे रहा है ना SN1 रिएक्शन अच्छी सी। हाँ दे रहा है बिल्कुल। तो कंसेंट्रेशन बोल रहे हैं तो मैम मींस और ज्यादा R3 आएंगे ना मैम, मतलब 1 या 2-3 मायोटीज। हाँ मैं यही चीज कह रही हूँ कि जैसे आप काइनेटिक्स में पढ़ते हो ना, जब रेट की बात काइनेटिक में करते हो फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से, तो उसमें आप बताते हो कि कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट पे फर्क पड़ेगा या नहीं, ठीक है? तो कंसेंट्रेशन अगर एल्काइल हैलाइड की इंक्रीज होती है तो यस रेट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है? रेट डिपेंड करेगा, उतने ही ज्यादा हमारे पास और कार्बोकैटायन होंगे तो और ज्यादा फास्ट हो सकती है रिएक्शन। बट अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन मैंने बढ़ाई या कम की, न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन मैंने बढ़ाई या कम की, क्या उससे SN1 पे फर्क पड़ेगा? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कौन से स्टेप में आ रहा है? स्टेप 2 में। और स्टेप 2 जो है उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का लेना देना नहीं है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सिर्फ हमारे पास कौन सा है? पहला। दैट्स व्हाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह लो या स्लो स्टेप कह लो, जो हमारे पास होता है उसी से फर्क पड़ता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि सेकंड स्टेप में एक्टिव हो रहा है अटैक करने के लिए, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन आप बढ़ाओ चाहे कम करो, उससे SN1 पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मैम एक ऐसा क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है ना, प्रोडक्ट काइनेटिकली स्टेबल है कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, वो आपके पास एलिमिनेशन एलिमिनेशन में आएगा आई गेस, ठीक है? हाँ एलिमिनेशन में आएगी वो चीज। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले कंसेप्ट से, कि अगर आपके पास इफ इट इज काइरल, अगर ये कार्बन काइरल है, तो काइरल अगर होगा तो इसपे आर या एस प्रेजेंट होगी कॉन्फ़िगरेशन, मानते हो? अगर ये चारों चीजें डिफरेंट होगी और हमें ओरिएंटेशन दी होगी तो कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसमें आर या एस कुछ हो सकता है। अब जब मैंने यहां पे बात की कि मेरे पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं ए और बी, तो एक मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और दूसरा मेरे पास बनेगा विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब है इन 2 बातों का, समझते हो आप? हाँ जी मैम। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जिस साइड से सीएल गया उसी साइड से ओएच आ गया। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जैसे हमारे पास छाता होता है ना, ज्यादा हवा चल जाती है वो ऊपर की ओर चला जाता है, इसमें वैसा होगा जो 3 नीचे आ रहे हैं वो ऊपर चले जाएंगे और हमारा जो ओएच होगा वो नीचे से आएगा। हाँ आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि जब हमने रिटेंशन वर्ड यूज किया और मान लो क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट था, तो जब OH आएगा ना SN1 के थ्रू तो वो मेरे पास यहीं पे आएगा, जहां से क्लोरीन गया वहीं पे OH आएगा। तो उस बेसिस पे या फिर नॉर्मल आप ये मान के चल सकते हो कि अगर मेरे इस कार्बन पे R कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है और जब मैंने प्रोडक्ट बना दिया उसमें भी R कॉन्फ़िगरेशन ही काइरल सेंटर पे आई, तो मैं कहूंगी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, कि पहले R था और अब भी R आया है। बट अगर मेरे पास पहले
आर था और जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट बना है उसमें अब कॉन्फ़िगरेशन एस आ रही है, तो मैं कहूंगी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई है, तो मैं कहूंगी वो प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन से। और दोनों प्रोडक्ट क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ दिस कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है जिसमें अप लोब से भी अटैक हो सकता है, डाउन लोब से भी अटैक हो सकता है, और जब दोनों लोब से अटैक पॉसिबल है तो डेफिनेटली आपके पास दोनों टाइप के प्रोडक्ट प्रेजेंट है। इसलिए हम जनरली कहते हैं कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है जिसमें 50-50% प्रोडक्ट तो इन्वर्टेड और दोनों मिलते हैं। हाँ, 50% आर एंड 50% एस, रेसमिक मिक्सचर ये होता है। मैम इन्वर्जन का दोबारा बता दो, इन्वर्जन का। इन्वर्जन मीन्स उल्टा, अगर पहले आर कॉन्फ़िगरेशन है तो बाद में आपको एस कॉन्फ़िगरेशन मिल रही होगी, जहां से आपके पास न्यूक्लियोफाइल गया अगर उसकी अपोजिट साइड से अटैक करता है, जैसे मान लो ये ऊपर प्रेजेंट था बट अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करता है तो वो अब उल्टा आ रहा है, बिल्कुल इन्वर्ट होके आ रहा है, ठीक है, दैट इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। बाकी हम ये सिर्फ सिंपल सा ऐसे पढ़ते हैं कि मान लो क्लोरीन जहां से गया वहीं पे हमारे पास OH आया तो वो रिटेंशन है, बिल्कुल उसके अपोजिट पे आया तो वो इन्वर्जन है, बट ऐसा हम अगर कंसेप्चुअली माने तो ये सही नहीं है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगर पहले R कॉन्फ़िगरेशन है और रिएक्शन करवाने के बाद भी मुझे इस सेंटर पे आर ही कॉन्फ़िगरेशन मिलती है तो वो रिटेंशन है, बट अगर पहले आर थी और अब मुझे एस मिल रही है तो वो इन्वर्जन है। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास आरएस रूल जो है वो चलता है प्रायोरिटी पे। अब क्या आपके पास गारंटी है कि पहले मान लो क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है तो जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल मेरे पास आएगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी ही लेगा? इसकी गारंटी है कोई? हो सकता है मैं यहाँ पे एच नेगेटिव ऐड कर दूं तो हाइड्रोजन को तो क्लोरीन से क्लोरीन वाली प्रायोरिटी नहीं मिलेगी ना। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूं? आरएस जब आप करते हो, आरएस के लिए आपके पास क्या फंडामेंटल बेसिक क्या होता है बताओ, किसी को भी पता है? तो जब आरएस करते हो तब क्या होता है, क्या चीज चलती है, कौन से रूल्स? मैम प्रायोरिटी रूल्स करते हैं हम, प्रायोरिटी सीआईपी रूल्स। कैसे चलता है प्रायोरिटी रूल, किसके बेसिस पे? मैम सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट पे करते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मतलब कि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, जो भी मास एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलती है। वही बात मैं यहाँ कर रही हूँ कि हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि जैसे मेरे पास यहाँ मान लो हैलोजन क्लोरीन था और बाकी मान लो कार्बन वाले ही थे, जरूरी तो नहीं है हमेशा कार्बन वाले होंगे, तो क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है और उसके बाद जब मैंने OH लगाया तो उसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी मिले, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे हमेशा ऐसे मान के चलते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे पहले आर था, इफ R in starting, अगर R थी और मेरे को प्रोडक्ट में भी R मिला तो मैं कहूंगी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट मिला है। अगर मुझे S वाला मिला तो मैं कहूंगी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन वाला मिला है। सो दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है यूज करने के लिए कि अगर मेरे पास पहले R कॉन्फ़िगरेशन है तो बाद में भी R है तो रिटेंशन, अगर बाद में S आ गया तो इन्वर्जन, ठीक है। अब SN1 में ये होता है, आपको SN1 में ये याद रखना है कि कार्बोकैटायन के पास दोनों लोब्स होती हैं, अप भी डाउन भी, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है नीचे से भी अटैक कर सकता है, दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। दैट्स व्हाई हम जनरली कहते हैं कि हमारे पास अगर स्टार्टिंग में जो कार्बन लिया गया, जरूरी तो नहीं हमेशा हम कायरल वाला ही लेंगे, एक कायरल भी ले सकते हैं, अगर हमने कायरल वाला लिया है जिसके चारों बॉन्ड डिफरेंट है तो जो प्रोडक्ट हमारे पास एंड में बनेगा वो ज्यादातर रेसमिक मिक्सचर बनता है, ये आपको याद रखना है SN1 के केस, ठीक है। बट जब हम SN2 की बात करेंगे तो उसमें थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। SN2 के केस में क्या होता है, SN2 के केस में हमारे पास इसका नाम है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सिंगल स्टेप रिएक्शन है. कैसी रिएक्शन है? सिंगल स्टेप रिएक्शन. अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो कैसे प्रोसीड करती है? हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसीड करती है. जैसे सपोज आपके पास यहां पे प्रेजेंट था ये क्लोरीन और ये था R1, R2, R3 और मेरे पास यहाँ पे है OH नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल. तो ये ना पहले ही स्टेप में आ जाता है और जहां पे मेरे पास लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, सब्स्टिट्यूशन करानी है, जहां पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा बिल्कुल उसके अपोजिट से आएगा. अपोजिट का क्या मतलब है कि अगर मान लो आपके पास लिविंग ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल उसकी बैक साइड से आएगा. अगर ऐसे प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल उसकी बैक साइड से आएगा. अगर ऐसे प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल उसकी बैक साइड से आएगा. क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सिग्मा स्टार होता है वो यहीं पे प्रेजेंट होता है. हमें एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देने होते हैं तो वो यहीं पे प्रेजेंट होता है. तो जब ये यहाँ पे आएगा तो हमारे पास ना रिएक्शन कुछ ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाएगी और वो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी दिखती है जिसमें क्लोरीन के साथ बॉन्ड टूट रहा है और OH के साथ बॉन्ड बन रहा है. ट्राइगनल बायपिरामिडल, ट्राइगनल बायपिरामिडल या आप कह सकते हो TBP. ट्राइगनल बायपिरामिडल शेप की हमारे पास यहां पे बनती है क्या? ट्रांजिशन स्टेट. और अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा और उस प्रोडक्ट में क्या होगा? उस प्रोडक्ट में हमारे पास इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. हाँ, यस. OH बिल्कुल अपोजिट पोजीशन से आके जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट आपको सिर्फ एक ही मिलेगा. SN1 में दो मिल रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और प्रोडक्ट मिलेगा विद इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन. दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप. SN2 में और SN1 में यही ध्यान रखना है कि दोनों में हमारे पास रिएक्शन के स्टेप्स डिफरेंट हैं और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो भी अलग है. एक में इंटरमीडिएट बनता है, एक में इंटरमीडिएट नहीं बनता है. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता. और स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन का प्रोडक्ट मिलता है. मतलब जनरली अगर हमारे पास पहले R होगा तो प्रोडक्ट में S आएगा, अगर पहले S होगा तो प्रोडक्ट में R आएगा. अगर मैंने स्टार्टिंग सबस्ट्रेट जो है वो क्या लिया है? काइरल कार्बन. और यहाँ पे जो हमारे पास SN2 रिएक्शन का रेट है वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ. बोथ क्या? सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल. क्योंकि दोनों एक ही रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इट मींस हमारे पास यहाँ पे जो हैलाइड की कंसंट्रेशन है और जो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे अगर हमें इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है या कम करना है. तो दोनों में डिफरेंस यही आया कि जो SN1 रिएक्शन थी वहां कार्बोकेटाइन बना, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनी. SN1 जो है वो टू स्टेप प्रोसेस है, SN2 जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है. SN1 में जो है वो हमारे पास इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों के प्रोडक्ट मिलते हैं. जो हमारे पास SN2 है उसमें सिर्फ इन्वर्जन का प्रोडक्ट मिलता है. SN1 में जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, जबकि हमारे पास जो SN2 रिएक्शन का रेट है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है. ठीक है, और इस बार जो मेरिटोरियस में क्वेश्चन आया था वो बस इन्हीं कंसेप्ट से आया था. चार स्टेटमेंट दी थी जिसमें पूछा था गलत कौन सी है. तो गलत वो थी जिसमें उन्होंने बोला कि SN1 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है और SN2 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो उल्टा लिख दिया था. जबकि SN1 में कार्बोकेटाइन या इंटरमीडिएट बनता है और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है. और क्या शेप होती है ट्रांजिशन स्टेट की? TBP या ट्राइगनल बायपिरामिडल.
ये क्वेश्चन मास्टर कैडर में रिपीट होगा पक्का। अच्छा कर दी भविष्यवाणी। एसएन टू में मैम क्या बताया था, एसएन वन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, एसएन टू में रिपीट करना मैम लास्ट टाइम। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। अरे सारे तो लिखवा दिए, अब क्या लिखवाना है? वैसे हम खुद लिख लेंगे। हम इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं ना? हाँ, सॉल्वेंट ए प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक। सॉल्वेंट इसमें ज्यादातर पोलर ए प्रोटिक वाला लिया जाता है एसएन टू में, और SN1 में हम लेते हैं पोलर प्रोटिक वाला, जैसे वाटर, एल्कोहल, अमोनिया। मैम और कितनी देर क्लास चलेगी? ये भी होता है अगर साइड वाले ग्रुप बल्की हो तो ज्यादातर हमारे पास ऐसा नहीं प्रेफर्ड होती है ना। क्या होती है? अगर कार्बन के साथ जो तो तीन ग्रुप लगे हुए हैं सीएल को छोड़ के वो बल्की ग्रुप्स हो तो SN प्रेफर, SN1 प्रेफर होती है। बल्कि नहीं, उसमें चलती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अगर आपसे जैसे सपोज ये पूछा गया है कि SN1 रिएक्शन का हमारे पास रेट जो है वो किसका ज्यादा है किसका कम है, तो उसमें आपको सिर्फ देखना है कि कार्बोकैटायन किसका स्टेबल है। जैसे आपसे ये पूछा गया है कि SN1 का रेट हमारे पास किसमें फास्ट होगा किसमें कम होगा। एक आपको मैं यहाँ पे दे दूं, जैसे बेंजाइलिक पोजीशन पे CH2Cl, एक मैं आपको दे दूं यहाँ पे इस तरीके का, और एक मैं आपको दे दूं यहाँ पे इस तरीके का CH3Cl, A, B और C। और मैं आपसे पूछूं कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर है ऑफ SN1 रिएक्शन वो क्या होगा, तो आप सिर्फ क्या देखोगे यहाँ पे? हैलाइड को निकाल देना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रखनी है आपको, हैलाइड को निकालना है, हैलाइड की जगह कार्बोकैटायन बनाना है, और फिर आपको सिर्फ कार्बोकैटायन्स को कंपेयर करना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ये बेंजाइलिक है, ये टर्शरी है और ये प्राइमरी है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बेंजाइलिक, क्योंकि रेजोनेंस है। फिर आएगा टर्शरी वाला, फिर आएगा प्राइमरी वाला। तो आपके पास ऑर्डर बनेगा ए बी देन सी, ये है। अगर कभी भी ऐसा पूछा जाता है कि SN1 रिएक्शन का के रेट का ऑर्डर बताओ, तो आप सिंपली वहां पे ये बता सकते हो, हैलाइड को निकालो, कार्बोकैटायन बनाओ, जिसका कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल बनेगा उसी का SN1 का रेट सबसे फास्ट होगा। ठीक है मैम। हाँ जी, कितना टाइम और क्लास चल रही? मेरा नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गया? आपने वो रिचार्ज नहीं करवाया? वैसे तो आपके दिन में तीन क्लासेस नहीं होती? आज सुबह भी तीन घंटे की क्लास थी, फिर आपने दोपहर में भी ली, अब भी ली, तो फिर खत्म हो गया। की किसकी थी? फिजिक्स की थी सुबह। अच्छा, फिजिक्स की क्लास थी आज आपकी? हाँ जी मैम। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर इतना ही करते हैं, अभी जो थोड़ा बहुत रह गया हमारा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, एटलीस्ट जितना पढ़ा है उसको अच्छे से कर लो। अभी है आपका 30-35 मिनट्स का रहेगा, अभी मे बी 40 भी हो जाए अगर बीच में आपके डाउट्स आ जाते हैं तो। हाँ, ड्यू टू रेजोनेंस। ओके ठीक है, ठीक है मैम। हाँ जी, ठीक है, चलिए फिर इतना ही करते हैं आज के लिए। जितना पढ़ा है आपने, दो घंटे की सुबह होगी, डेढ़ घंटे की अभी क्लास होगी, साढ़े तीन घंटे का, एटलीस्ट उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, तो उतना भी आप पहले दिमाग में बिठा लोगे तभी आगे पढ़ने का फायदा है। तो जो भी आपका 40 मिनट्स का, 30-40 मिनट्स का रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, जो आपने 4 वीडियोस कही थी वो हाँ। मैंने मैम 2 तो देख ली थी, बाकी देखनी जरूरी है या इसमें कवर हो जाएगा? कोई बात नहीं, रहने दो अगर नहीं देखनी आपको वो, तो क्योंकि एलिमिनेशन वाला मैंने यहाँ पे भी डिस्कस करना है, अगर आपके पास टाइम है तो देख सकते हो उसमें थोड़ा। मैंने बहुत डिस्कस, मैं ना एक्चुअली उसको ओपन कर रही हूँ ना ऐप को, तो वो बार बार बंद हो रही है मैम वीडियो, 4-5 बार ऐसा हो चुका है, तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगी उसको जितना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी, सिंगल स्टेप वाला कवर नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट उसकी।
ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो डिफरेंट स्टेप नहीं बन रहा है, वो आपके पास एक ही स्टेप की रिएक्शन है। दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें आपके पास इंटरमीडिएट बने ना बने ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनती है। हर किसी के ट्रांजिशन स्टेट अलग अलग होती है। जो SN2 है उसके ट्रांजिशन स्टेट की शेप होती है TBP, ट्राइगनल बायपिरामिडल, जिसमें जहां से आपके पास लीविंग ग्रुप जा रहा है आने वाला न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल उसके अपोजिट से जुड़ रहा होता है कार्बन के साथ। तो इन द प्रोडक्ट क्या होता है, पुराने वाला जो लिविंग ग्रुप है वो चला जाता है और नया वाला उसकी जगह पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये है मैम कि वो जो क्लोरीन है वो ऊपर भी हो सकता था तो वो नीचे को आएगा, और अगर वो नीचे था तो वो ऊपर को आएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। अब जिस तरफ आपके पास लिविंग ग्रुप है ना जो जा रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट से आता है, जो आप कह रहे हो वो ठीक है। अगर मान लो क्लोरीन नीचे होता तो OH ऊपर से आता, यही कह रहे हो ना? यस मैम। हाँ वही ठीक कह रहे हो। और मैम रेजनिक मिक्सचर का यही मतलब है कि उसके अंदर दोनों कॉन्फिगरेशन मिलेंगी? हाँ दोनों मिलेंगी, R वाला भी मिलेगा S वाला भी मिलेगा, और इक्वल कंसंट्रेशन में मिलता है, जितना R उतना S, 50% R 50% S। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये SN2 फॉलो करेगा या SN1 फॉलो करेगा? हाँ वो मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना था बट वो अभी रह गया है। जनरली उसमें ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। SN1 रिएक्शन वहां पे होती है जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है। जैसे अगर टर्शरी वाले अगर आपके पास कंपाउंड है तो उसमें SN1 की प्रेफरेंस ज्यादा होती है। जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बनता जैसे प्राइमरी वाले हैं तो उसमें SN2 के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा फैक्टर सॉल्वेंट का होता है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया गया है तो SN1 होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया गया है तो SN2 के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कलेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि कब SN1 होगी कब SN2 होगी। बट मोस्ट प्रोबेबली कार्बोकेटाइन जहां स्टेबल बनता है वहां SN1 को प्रेफरेंस दी जाती है, जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बनता वहां SN2 को प्रेफरेंस दी जाती है। मैम एक बार प्रोटिक और अप्रोटिक एग्जांपल बता दो, दो, दो तीन तीन। मैंने GOC में करवाया है सारा, याद नहीं किया आपने? मैम हम लोगों ने वो तीन चैप्टर किए नहीं ना GOC, रिपीट क्लास में भी नहीं लगाई आपने? मैम नो। और आपने एडमिशन ले ली थी रिपीट वाले टाइम? हाँ जी मैम ले ली थी। तो फिर अब ये किसकी मिस्टेक है? नहीं नहीं मैम मिस्टेक तो मेरी मैम, लेकिन उस टाइम ना थोड़ी इशू चल रहा था इसलिए इस वजह से नहीं हो। देख लो क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके पास वो ना। फिर पोलर प्रोटिक में आपके पास आ जाता है वॉटर, आपके पास आ जाएगा एल्कोहल, इसमें आ जाएगा अमोनिया। और पोलर एप्रोटिक में वो होते हैं जहां पे प्रोटोन डायरेक्ट अटैच नहीं होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे कि एसीटोन या DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इस टाइप से सॉल्वेंट जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक में क्या होता है, हमेशा प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो H ऑक्सीजन के साथ है, H ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे भी आपके पास H जो है वो नाइट्रोजन के साथ है, और नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब H जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है वो पोलर प्रोटिक होते हैं। जब H हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है तो वो पोलर एप्रोटिक होते हैं। ओके मैम। हां जी और किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ भी है? मैम जब हमने टॉलीन की बात की थी तो टॉलीन मतलब मैम अगर अकेला बेंजीन देखें तो वो न्यूक्लियर मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है, फिर मैम जब हम उसमें CH3 ऐड कर देते हैं तो वो मैम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो मैम फिर ये स्टेबल कैसे हुआ मैम, मतलब अगर वैसे एलिमेंट्री स्टेट में पड़ा है तो? ये मैम नहीं तो उसको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब होती है कि जब कोई दूसरा उसके पास आने की कोशिश करता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके। ऐसे तो उसने क्या किया, जस्ट मिथाइल को रखा है, टॉलविन एक स्टेबल कंपाउंड है, उसको मिथाइल अगर इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है तो प्लस आई से दे रहा है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो उतना डोमिनेटिंग होता भी नहीं है, तो उससे बेंजीन को कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो एज अ कंपाउंड टॉलविन जब बनाए तो वो जिन कंडीशन में बनाए उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं आई है। हमने लुइस एसिड की प्रेजेंस में बनाया होगा उनको, और लुइस एसिड की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन इजिली हो जाती है। जैसे यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं, अगर आपने मान लो बेंजीन से टॉलवीन बनाया होगा तो आपने क्या करवाई होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन,
हाँ जी मैम, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपने लुईस एसिड यूज किया था, तो वो लुईस एसिड हाँ इसीलिए किया था क्योंकि वो एक्टिवेट कर रहा है रिंग को, हेल्प कर रहा है कराने में। ठीक है मैम। हाँ जी, और किसी का कोई भी डाउट यहाँ तक? जिसने स्टार्टिंग में वो स्क्रीनशॉट लिया था बोल दो, शेयर कर देंगे ग्रुप में। हाँ मैं बता बोल देती हूँ। मैम आपके अकॉर्डिंग जैसे हम लोगों ने वो तीन चैप्टर किए जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री और रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो वो मैं कर लेने चाहिए रिकॉर्डिंग में, वो इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक वाली चीजें हैं वो, इंटरमीडिएट से रिलेटेड या स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन जैसे अभी ग्रुप में डिस्कस भी हो रहे हैं, रिकॉर्डेड वाले बैच में हो रहे हैं शायद, तो फिर वो क्वेश्चन समझ आएंगे नहीं आपको, तो थोड़ा सा ना टाइम निकाल के कर लो। ओके मैम, फिर कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कर लो, वो कहीं ना कहीं आपको। हाँ जी, रिकॉर्डेड बैच कब शुरू होना है मैम? रिकॉर्डेड क्यों शुरू होना है? रिवीजन तो चल ही रहा है, चल ही तो रहा है, रिवीजन ही चल रहा है, बाकियों का स्टार्ट हो गया है। मेरा एनएमआर नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसी वीक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मैम, मेरे वाला इस चैप्टर के साथ हो गया ना सारा ही सिलेबस, तो ये आपका जिनका मतलब रिवीजन भी समझ लो, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है और जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया है उनको अगले वीक से एनएमआर से शुरू करना है मैंने। ठीक है चलो, ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच दो क्लासेस आज मेरे साथ लगाने के लिए। थैंक यू मैम। तो बोल दो। हाँ जी बोल देती हूँ, मैं लीव करूंगी तब तो बोल पाऊंगी, बोलती हूँ। कर दिया चलो, ठीक है, ओके चलो, बाय बाय।